बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया कुकिंग लैब। आज मैं आपको बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताऊंगी। 3 अदद आलू लिए थे, इसे गर्म पानी में, मैंने सिर्फ गर्म पानी में भिगोया है, इसे उबाला नहीं। आप इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे गर्म पानी में इसलिए भिगोया था कि काले ना हो। ये देखें, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसे भिगोया था आलू को गर्म पानी में। 5 अदद अंडे थे, उनकी सफेदी ले ली है, ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। एक मीडियम साइज का टमाटर, 2 अदद सब्ज मिर्च, थोड़ा सा धनिया, सब्ज प्याज, वन टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ा सा मटन लिया था मैंने। मटन को मैंने बॉईल कर लिया, ये ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं तो आप ना डालें। टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून सूखी मिर्च, नमक और मिर्च अपन टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने। ये देखें, एक पैन लेंगे, इसे गर्म करते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं इसके ऊपर। पैन अच्छे से गर्म हो गया है, आप ये ऑमलेट डालते हैं। फ्लेम को आपने हल्का रखना है। ये जो मैंने जर्दी निकाली थी, ये अब इसके ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। अब इसमें जो जर्दी थी ये डालते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। इसको हम हाफ फ्राई रखेंगे, ये फूल हमने पका लिया है, इसे हाफ फ्राई रखना है। 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में निकालते हैं। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें, हमारा ब्रेकफास्ट इतना जबरदस्त तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें, ये हाफ कुक रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखें, हमारा ब्रेकफास्ट कितना जबरदस्त, कितने मजे का तैयार हुआ है। आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, अपनी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।